सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान आसमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। बदायूं में प्रथम चरण का नगर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद दूसरे चरण निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। जिला बदायूं नगर पंचायत इस्लाम नगर से नगर निकाय चुनाव में कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने आयशा परवीन को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी आयशा परवीन के समर्थन में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए हैं। वह प्रत्याशी आयशा परवीन के समर्थन में जनता से लगातार वोट डालने की भी अपील की जा रही है। 26 नवंबर 2012 में हमने पहली बार पार्टी का अनाउंसमेंट किया और फरवरी 2013 में है, 3 महीने के बाद हम चुनाव लड़े। हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं था, 28 सीटें जीते हम। आम आदमी पार्टी है, हर आम आदमी इसका कार्यकर्ता है, हर आम आदमी इसका मालिक है। आयशा परवीन एक साफ सुथरी छवि की और ईमानदार लेडी हैं, इसलिए उनको जनता वोट देगी, क्योंकि जनता को अब एक ईमानदार प्रत्याशी की ज़रूरत है, एक ईमानदार चेयरमैन की इस्लाम नगर को ज़रूरत है। और इस्लाम नगर में एक ईमानदार चेयरमैन आएगा तो इंशाल्लाह इस्लाम नगर के नक्शे को बदले। जनता पहली बात तो देखिए, उनके घर में किसी चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है। वो लोग या तो राजा हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसी की क्यों सुनेंगे? अगर उनसे कोई कुछ मांगने जाएगा तो वो सड़कों पर मारेंगे, वो नगर पालिका के सामने पिटाई करेंगे, तो वो उन लोगों को वोट देंगे या उन लोगों को जो आम आदमी हैं और आम आदमी की तरह आपके बीच रहना जानते हैं, जो आम आदमी की जन शिकायत को सुनना जानते हैं और उस पर अमल करना जानते हैं। तो आयशा परवीन भी एक ऐसी ही कैंडिडेट हैं जो आम हैं, आम इंसान हैं और आम इंसान की परेशानियों को समझ सकती हैं। एक एक महिला, एक एक पुरुष, एक एक बच्चा ये बात जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, न झूठे वादे करते हैं, बल्कि अरविंद केजरीवाल जी वादे ही नहीं करते, गारंटी देते हैं। और जिस चीज़ की गारंटी देते हैं, और इस बार हमने निगम के चुनाव में सब जगह ये बात निकाय चुनाव में कही है कि आम आदमी पार्टी जीत के आएगी, तो साफ पानी की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की होगी, चेयरमैन की होगी, हमारी गारंटी है। हाउस टैक्स को हाफ कर देंगे और बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा और अच्छे स्कूल की सुविधा, ये हमारा वादा है। ये हर नगर पंचायत के अंदर जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट होगा, जिम्मेदारी है उसकी कि वो करके देगा। साफ़ सफाई की जिम्मेदारी उसकी है, अच्छी सड़क अच्छी व्यवस्था की जिम्मेदारी उसकी है। और मुझे लगता है कि देखिए, सैंपल बतौर हम बहुत सारी सीटें जीतेंगे अभी यूपी में, तो हम कीर्तिमान साबित करके दिखाएंगे। आप खुद देखेंगे, बल्कि आप ये सवाल नहीं करेंगे, आप लोगों को पत्रकार महोदय बताएंगे कि एक आम आदमी पार्टी की सीट है तो इसमें देखिए कैसा काम हो रहा है, तो ये आप खुद बताएंगे लोग। देखिए 100% यहाँ की जनता की मैं बात करूँ तो उत्साहित है पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को, श्री अरविंद केजरीवाल जी को और उनकी छवि को वोट देने के लिए। हर आदमी, मैं बहुत घूम रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि लोग चाहते हैं कि एक बार हमारे यहाँ भी ये सरकार हो जिससे हम बिजली की सुविधा को उठा सकें, हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूलों में जा सकें, अच्छे रिजल्ट हमारे बच्चों के हों, अच्छी हॉस्पिटलिटी हमारे यहाँ हो, हमारे यहाँ भी महिलाओं के बस का सफ़र फ्री हो, तो ऐसी सरकार हो। लेकिन चूंकि ये चुनाव निकाय चुनाव है तो हम बात करेंगे सिर्फ निगम की, कि निगम में जितनी भी सुविधाएं उनको बेहतर बनाने का काम आम आदमी पार्टी का। सबसे पहले मैं इस्लाम नगर की आवाम को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार करना चाहती हूँ। दूसरा सवाल ये है कि आपका कि विकास, विकास के बारे में बात करना चाहते हैं। विकास के बारे में तो बहुत बड़ा मुद्दा है इस्लाम नगर का। अब मैं डोर टू डोर वोट मांगने के लिए गई थी तो सबसे बड़ी समस्या मुझे इस्लाम नगर की ये लगी कि कुछ लोग कॉलोनी नहीं है, घर से बेघर हैं, छत नहीं है उनके ऊपर, सर के ऊपर छत नहीं है, बच्चे इधर उधर फिर रहे हैं। तो कोशिश ये करूँगी मैं कि जिनको कॉलोनी को, जो कॉलोनी के हकदार हैं, मैं उन्हें कॉलोनी दिलाना चाहती हूँ। दूसरी समस्या ये है कि पानी की समस्या भी दूर करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह पूरी तरह खरी उतरने की कोशिश करूँगी, जैसे शादी गरीबों के लिए मैरिज हॉल फ्री सरकार की तरफ से, और पानी का जो शादी में जो पानी के टैंक आती है वो फ्री,
जनता वोट इसलिए देना चाहिए, पिछले 5 सालों में पिछली बार कोरोना हुआ, हमने बिना किसी स्वार्थ के कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करने की कोशिश। जनता से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मुझे सफल बनाएं ताकि मैं जनता की सेवा कर खुद सेवा कर सकूं। औरों के जो पति से नगर पालिका चलाते हैं, क्या आपके पति नगर पालिका चलाएंगे कि आप खुद चलाएंगे? मैं खुद चलाऊंगी, खुद समाज अपने इस्लाम नगर सारे जो भी हैं समस्याएं काम मैं खुद करना चाहूंगी। जी जी, मैं खुद एक एडवोकेट हूं, मैं जानती हूं किस तरह विकास कराना चाहिए। फरीदाबाद में तेल की खपत कम करने के लिए भारत पेट्रोलियम ने सक्षम दिवस के तहत स्कूली बच्चों की रैली निकाली है। भारत पेट्रोलियम ने नॉर्थ जोन के हेड और मेयर सुमन बाला ने साइकिल रैली रवाना की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आयात के बिल को कम करने और तेल की मात्रा को देखते हुए हम दूसरे विकल्प अपनाने होंगे। भारत पेट्रोलियम ने स्कूली बच्चों के साथ मिलकर फ्यूल की खपत कम करने के लिए एक सक्षम दिवस मनाया है। हम लोग जो सक्षम महोत्सव बना रहे हैं यहाँ पर, उसमें संरक्षण, तेल संरक्षण, कार्बन फुटप्रिंट, सस्टेनेबिलिटी को लेकर बात कर रहे हैं। इसमें आने वाली पीढ़ी जो है उसको ये जागरूक करना होगा कि तेल नियमित मात्रा में है और हमारा आयात का जो बिल है तेल आयात का वो बहुत ज़्यादा है, तो इसको कम करना है तो कुछ ना कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। जो आज हम जो एनर्जी यूज़ करते हैं उससे कम यूज़ करें, तो ये आने वाली पीढ़ी को ही करना है। इसलिए हमने इन एक स्कूल में इन बच्चों के साथ मिलके साइकिल रैली की। आज पेट्रोलियम द्वारा 15 दिन का जो एक सक्षम प्रोग्राम चलाया गया है उसी के तहत आज डीसी मॉडल स्कूल में एक साइकिल अभियान का प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें कि लोगों को अवेयर किया जाएगा कि फ्यूल को आप कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें ऐसे हैं वो हमें नहीं मिल पाएंगी और हमारे बच्चे इस चीज़ से फाइट करें तो हमें आज ही समझदारी दिखानी होगी। तो ये भारत पेट्रोलियम का एक बहुत अच्छा प्रयास है और जो साइकिल रैली के द्वारा एक मैसेज और भी जाता है कि जो हमारा जो आने वाला देखो समय देखो किस तरह का हो गया है, हमें सांस लेना भी बहुत भारी पड़ रहा है। तो जो इस साइकिल रैली के द्वारा एक मैसेज और भी जाता है कि जो हमारा इससे वातावरण अच्छा होगा, हमारा पोल्यूशन अच्छा होगा और हमारी दूसरी बात हेल्थ को लेकर भी साइकिल रैली एक मैसेज थी कि अपनी हेल्थ को भी हम साइकिल चला कर कैसे ठीक रख सकते हैं। तो एक भारत पेट्रोलियम के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास था जिसकी मैं सराहना करती हूँ और मैं सभी को ये मैसेज दूंगी कि जिस प्रकार से अपने बच्चों को कैसे समझा सकते हैं, सभी को समझाना चाहिए कि कम से कम यूज़ करके ये जो 15 दिन का प्रोग्राम है इसे मतलब अच्छा बनाएं और इसमें पूरा सहयोग करें। लखनऊ में नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार स्ट्रांग रूम पहुंचे और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के उद्देश्य से रामबाई स्थल भी पहुंचे, जहां ईवीएम रूम की सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। स्ट्रांग रूम रामबाई अम्बेडकर रैली स्थल में बनाए गए हैं। वहीं सभी 8 जोनों के स्ट्रांग रूमों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, साथ ही अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं यूपी एटीएस की पीएफआई एजेंटों के खिलाफ छापेमारी का मामला सामने आया है, जिसमें रिहाई मंच के अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद शोएब को हिरासत में लिया गया है। वहीं पीएफआई एजेंटों का केस एडवोकेट मोहम्मद शोएब की तरफ से लड़ा जाता रहा है। इस दौरान मोहम्मद शोएब एनआरसी सीएए के दौरान भी काफी सक्रिय रहे थे। यूपी एटीएस की सुबह से लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में छापेमारी लगातार जारी है। ये बताइए, आज शोएब जी को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ मामला बताया गया था, कितने टाइम में उनको जो है यहाँ से ले जाया गया है? यहाँ से 7:45 ले गए। कौन लोग आए थे लेने के लिए? ये कुछ नहीं मालूम, 3 तो पुलिस वाले थे पुलिस की ड्रेस में और 7 जो थे वो मतलब सिविल ड्रेस में थे। क्या जो शोएब को ले जाया गया तो उस विषय पर कुछ आप लोगों को जानकारी? नहीं नहीं कुछ नहीं, हम लोग को कोई मामला नहीं कुछ था। आप शोएब जी की कौन है? हम उनकी मिसेज हैं। नहीं आजकल तो कुछ काम नहीं कर रहे थे क्योंकि वो 2 महीने से बीमार हैं, लोहिया में उनका इलाज चल रहा है। यूपी एटीएस की टीम पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े सदस्यों के घरों पर छापेमारी कर रही है और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। सुरक्षा एजेंसियाँ शनिवार की सुबह से ही पीएफआई के सदस्यों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी, जिसमें
लखनऊ से अब तक 4 लोगों को उठाए जाने की जानकारी भी मिली है। इसी दौरान रिहाई मंच के अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद शुएब को भी हिरासत में लिया गया है। इस वक्त प्राइम टीवी की टीम उसी घर पर मौजूद है जहां पर मोहम्मद शुएब रहते थे। ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग के 4th मंजिल पर मोहम्मद शुएब अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। फिलहाल आज सुबह पुलिस टीम यहां पर पहुंची थी और मोहम्मद शुएब को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई। फिलहाल जिस तरीके से मोहम्मद शुएब के विषय पर जानकारी दी गई है उसमें कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद शुएब NRC CA के दौरान से भी काफ़ी सक्रिय थे। इसके साथ ही जो PFI से जुड़े एजेंट थे उनके मामले पर भी ये लगातार पैरवी करते हुए नजर आते थे। फिलहाल आज मोहम्मद शुएब को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मोहम्मद कलीम, Prime TV, लखनऊ। तो PFI एजेंटों के खिलाफ लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है। इस दौरान रविवार के सुबह भी PFI के कई ठिकानों पर यह कहा जा रहा है कि छापेमारी की कार्रवाई लगातार की गई है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद कलीम हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद कलीम, आज सुबह से ही लगातार UPSTF की छापेमारी जारी है। इस दौरान PFI के एक एजेंट होने के नाम पर एक एडवोकेट मोहम्मद शोएब को हिरासत में लिया गया है। देखिए, जिस तरीके से PFI को लेकर के ATS की छापेमारी चल रही थी तो इसमें यूपी के लगभग 20 जिलों में जो छापेमारी हुई है इसके साथ ही 70 लोग हिरासत में लिए गए। इसी 70 लोगों के बीच में जो शुएब है वो भी हिरासत में लिए गए हैं क्योंकि ये काफी सक्रिय माने जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा इनके ऊपर लगातार ATS के साथ साथ जो खुफिया एजेंसियां हैं वो NRC के दौरान से ही पूरी तरीके से निगाह बनाए हुए थी। क्योंकि बात की जाए जहां जहां पर भी ATS की या फिर खुफिया एजेंसियों की छापेमारी हुई थी उनमें ये सम्मिलित पाए गए थे क्योंकि ये लगातार उनके केस भी लड़ रहे थे। इसके साथ ही जिस तरीके से छापेमारी ATS के की गई है इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं जो गिरफ्तारियों के, जिसमें लखनऊ की संख्या 9 दी गई है, सीतापुर से 1 है, बाराबंकी की संख्या 3, बलरामपुर से 1, देवरिया से 2, सिद्धार्थनगर से 1, वाराणसी से 8, आजमगढ़ 3, कानपुर से 2, गाजियाबाद से 10, मेरठ से 4, बुलंदशहर से 1, सहारनपुर से 1, शामली में 11, मुजफ्फरनगर में 3, मुरादाबाद में 1 और रामपुर में 1 के साथ जो अमरोहा की संख्या है वो भी 1 है। यानी कि लगभग 70 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ठीक है करीम, अभी आपने जिक्र किया कि लखनऊ से कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, तो इस एडवोकेट के अलावा और कौन कौन से लोगों के नाम सामने आए हैं? देखिए, अभी जो नाम सामने आने की बात आ रही है, नाम सामने नहीं आए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो एक और एक CCTV फुटेज सामने आया था जिसमें विकास नगर से एक फोटोकॉपी की दुकान से एक युवक को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही जो BKT और इटौंजा है, यानी कि जो बात की जाए वहां पर जो अचरामऊ गाँव है उसको जो है PFI के संबंध में एक गढ़ माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो ATS की वहां पर छापेमारी हुई थी उसमें कहा जा रहा था कि यहां पर जो अचरामऊ है इस गाँव में बाकायदा PFI को लेकर के जो ट्रेनिंग भी लोगों को दी जा रही थी, और जो यहाँ का ग्राम प्रधान है जिसको लेकर के इससे पहले भी ATS ने छापेमारी की, लेकिन वो ATS को चकमा देकर फरार हो गया था। और इस बार फिर जिस तरीके से छापेमारी हुई है उसमें भी ग्राम प्रधान जो है वहां का वो फरार हो चुका है, वो ATS के हाथ नहीं लगा। लेकिन वहां से जो और लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, क्योंकि ज्यादा संख्या मानी जा रही है कि जो BKT का एरिया है वहां से गिरफ्तारी, क्योंकि वो इसका गढ़ माना जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद कलीम हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देश भर में आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के रायबरेली में भी 3 सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच शहर में केंद्रीय विद्यालय और SGM को केंद्र बनाया गया। वहीं तीनों केंद्रों पर लगभग 1600 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जबकि उचाहार में DAV कॉलेज नीट परीक्षा का सेंटर बनाया गया है। तो वही दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए जो बच्चे हैं वो अब सेंटर्स के अंदर भी मौजूद, और महज अब से कुछ ही समय में परीक्षा खत्म भी हो जाएगी। नीट की परीक्षा पहली बार रायबरेली जनपद में आयोजित हो रही है। शहर में 2 परीक्षा केंद्र हैं, केंद्रीय विद्यालय और SGS। दोनों ही परीक्षा केंद्रों में पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। निरीक्षक स्तर के अधिकारी और 16 कांस्टेबल्स लगे हुए हैं जो सकुशल परीक्षा संपन्न कराएंगे। वो पूरी तरह से बाहर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों की जो चेकिंग फ्रिस्किंग है उसमें सहयोग देने के लिए उपस्थित हैं।
तो वहीं औरैया में नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। डीएम और एसपी के निर्देश पर पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान ने पैदल गश्त किया। वहीं सदर सीओ सिटी प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 11 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर शहर में पैरामिलिट्री फोर्स पुलिस के जवान की ओर से शहर में गश्त किया गया है और लोगों को यह भरोसा दिलाया गया है कि आगामी नगर निकाय चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाएगा। अगर किसी से कोई भी गड़बड़ी की शिकायत आती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसको लेकर और थाना फोर्स लेकर पूरे जो हमारा नगर क्षेत्र है इसमें भ्रमण किया जा रहा है कि कहीं पे कोई किसी प्रकार के चुनाव में कोई अव्यवस्था ना फैले और जो संवेदनशील अतिसंवेदनशील जो बूथ है वहाँ पे हम लोग भ्रमण कर रहे हैं कि कहीं कोई अव्यवस्था ना फैल पाए और लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि चुनाव आराम से होगा और कोई समस्या नहीं होगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है और बजरंग दल, बजरंग बली और हालिया रिलीज फिल्म द केरल स्टोरी जैसे मुद्दे छाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिणी राज्य के प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं। इसी बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर कई मुद्दों को लेकर हमला किया है। ओवैसी ने कहा कि एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकी जवानों को मार रहे हैं, मणिपुर हिंसा की आग में देश जल रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। खाना जंगी हो रही है मगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री कर्नाटका में आकर जनता से अपील कर रहे हैं कि वो जो केरला में पिक्चर बनाई गई उसकी ताईद में प्रधानमंत्री अपने भाषण में बात कर रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कर्नाटका का चुनाव जरूर है मगर पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे 5 सिपाहियों को जान से उनकी जान ले लिए। तो वहीं फरीदाबाद में कूड़ा घर बनाने के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। दरअसल रिवाजपुर गांव में इन दिनों कूड़ा घर बनाए जाने का मामला गरमाया हुआ है। वहीं ग्रामीण कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। उन्होंने विरोध स्वरूप कई तरह के वाहनों पर रैली निकालकर अपना विरोध भी जताया है। इस दौरान ग्रामीणों ने काले झंडे लिए हुए थे, साथ ही रिवाजपुर क्षेत्र से अलग अलग गांव में जाकर लोगों को अपनी परेशानी से अवगत कराया है। ग्रामीणों का कहना है कि जिला प्रशासन उनके यहां कूड़ा घर बनाकर उनके साथ अन्याय कर रहा है। इसके चलते उनके इलाके में न केवल पेयजल खराब हो जाएगा बल्कि गांव की आबो हवा भी खराब हो जाएगी। इसी वजह से वो इसका विरोध कर रहे हैं। ये हमारे क्षेत्र में कूड़ा घर बनने जा रहा है, उसके विरोध में रैली निकाल रहे, काले झंडे लगा के। हम चाहते हैं यहाँ कूड़ा घर नहीं बनना चाहिए। ये हमारे क्षेत्र में कूड़ादान बनना है जिसके लिए हम लोग उसके विरुद्ध हैं और वो नहीं बनना चाहिए, हम उसके विरुद्ध हैं। केसर पालने बहुत गलत करा है हमारे गांव में। कितने गांवों के आए हुए हैं? ये 16 गांव के गांव आए हुए जो कि इसके विरुद्ध में है। यहां पर कूड़ादान नहीं बनना चाहिए। हमारे यहां कूड़ा घर बनने जा रहा है जो कि जिसका हम विरोध कर रहे हैं। तो क्या है, ये कौन सा गाँव है? हम रिवाजपुर गाँव से है। तो ये क्या कहना है, रैली में हुआ जी? सर ये रैली कहाँ कहाँ जाएगी? ये ददसिया, माथपुर, लालपुर और रिवाजपुर, टिकावली, बादशाहपुर, टिकावली, गांवों के जो है लोग हैं 16 गांवों के। मामला ये है कि हमारे यहाँ पे जो ये कूड़ा घर बना रहे हैं ये गलत बना रहे हैं। ये पूरी आबादी है, यहाँ पे स्कूल हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, अस्पताल है और यहाँ पे आबादी 50,000 कम से कम है। 15-20 गांव आ रहे हैं यहाँ पे कूड़ा जाना। कितने गांवों के लोग इकट्ठे हुए हैं? सारे एरिया में 15-20 लाख, 15-20 गांव कम से कम। से लेकर लालपुर, माथपुर, कडावली, शेरपुर, अगर कूड़ा घर नहीं, अगर नहीं बनता है तो क्या आगे क्या करोगे? हम जो कोशिश करेंगे ना लगे यहाँ पे, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं लगने देंगे। हम सरकार से उसका विरोध करते हैं जी। कितने गांवों के लोग जो विरोध कर रहे हैं? हमारे 12 गांव के जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं साहब कि ये कूड़ा घर यहाँ नहीं बनेगा। अगर ये उसके बाद भी बनेगा तो क्या कोई कार्रवाई कर पाएंगे आप लोग? हम सरकार को 2024 में नहीं आने देंगे फिर। आज ये हमारा कूड़ा का जो यहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है इसके विरोध में महा एक रैली निकाली जा रही है। यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी है इससे। क्या चाहते हैं गांव वाले? चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे कूड़ा ना दान बने, यहाँ कोई कॉलेज या कोई स्कूल या पार्क या कोई ऐसी चीज लाएं जो गांव वालों के लिए एक गांव वाले किसी अफसर से गांव
गांव वालों ने विधायक साहब को भी वो दिया है विज्ञापन, राजेश नागर जी को वो दिया है इसके विरोध में, और आज इसी के विरोध में ये रैली निकाली जा रही है। ये रैली फरीदाबाद नगर निगम और प्रशासन के खिलाफ है जो हमारे गांव रिवाजपुर के खेती की ज़मीन में डंपिंग यार्ड बनाने का जो कार्य कर रही है उसके विरोध में ये रैली है, और यहाँ के सभी 36 बिरादियों के लोग मिलजुल कर बड़े प्यार से ये रैली निकाल रहे हैं और डंपिंग यार्ड का विरोध कर रहे हैं। यहाँ का जो मंत्री है उससे मिले थे क्या गांव वाले? हाँ जी, राजेश नागर जी से, कृष्ण पाल जी से मिले थे, और उन्होंने उनकी जो भाषा थी कि डंपिंग यार्ड यहीं पे गिरेगा उसके विरोध में ये रैली चल रही है, और यहाँ के जो जनजीवन में जहर घोलने का काम जो प्रशासन कर रहा है उसके विरोध में ये रैली है। यहाँ के लोगों ने कसम खा ली है इस डंपिंग यार्ड को किसी भी कीमत पर नहीं डलने देंगे। हम आज अपने ये जो कूड़ा घर बनाया जा रहा है हमारे क्षेत्र में, हम उसको हटवाने के विरोध में अपनी रैली कर रहे हैं। ये रैली हमारी 16 गांवों से होती हुई सारे में रिवाजपुर से शुरू हुई है और रिवाजपुर ही खत्म होगी। रैली के बाद वहीं पे प्रसाद सबको मिलेगा और हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। अगर यहाँ पे कचरा घर बना तो हम मरने मारने को तैयार है, लेकिन 100,000 हम कचरा घर नहीं बनने का। अगर यहाँ पे मंत्री जी ने कूड़ा यहाँ पे डलवा दिया तो हमारे यहाँ पे लाखों लाश पहले होंगी, लाश नीचे दबाएंगे तब ऊपर से कचरा डलेगा, वरना हम कचरा घर नहीं बनने देंगे किसी भी कीमत पे। हमारी नारी शक्ति हमारे साथ है, हमारे पुरुष भाई साथ है, युवा बच्चे हमारे साथ है, लेकिन हम 100,000 भी यहाँ पे कूड़ा घर नहीं बनने देंगे। हम इस सरकार का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं जो हमारे यहाँ पे ये कचरा घर लेके आए हैं, इसलिए हमने सरकार नहीं बनाई थी बीजेपी की, हमें कूड़ा घर पे बैठा है। तो वहीं लखनऊ में जानकीपुरम पुलिस अपने काम के लिए लगातार तारीफ बटोर रही है। दरअसल रात में पेट्रोलिंग के दौरान एक महिला मिली थी, ये महिला ऐशबाग की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मानसिक संतुलन खोने से महिला जानकीपुरम थाना क्षेत्र में पहुंची थी। 25 साल की पूजा वर्मा को जानकीपुरम पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है। बता दें कि पुलिस की सतर्कता से महिला को मिला उसका परिवार आखिरकार मिल गया है। वही महिला के परिजनों ने पुलिस का धन्यवाद भी किया है। प्रयागराज के जनता इंटर कॉलेज में तैनात अध्यापक श्रीश कुमार कुशवाहा का शव अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। दरअसल वो अपने स्वर्गीय पिता परमानंद कुशवाहा के मौत के बाद अध्यापक की नौकरी कर रहे थे। अध्यापक धौरहरा कठहरा के रहने वाले थे जो हंडिया में किराए के मकान पर रहते थे। वही मामले की सूचना परिजन और पुलिस को दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। तो वहीं रायबरेली में बेटे के तिलक में गए बुजुर्ग को हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लग गई है। गोली लगने से घायल बुजुर्ग को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि जसमऊ गांव के रहने वाले एक युवक के बेटे का तिलक चढ़ रहा था, उसी दौरान कुछ लोग तमंचे से हर्ष फायरिंग करने लगे और हर्ष फायरिंग में बुजुर्ग इसकी चपेट में आ गया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस फायरिंग करने वालों की तलाश में भी जुट गई है। डॉक्टर एस के सिंह, एमओ जिला अस्पताल रायबरेली। एक जयशंकर मिश्रा करके व्यक्ति हैं जो 52 साल के हैं, खीरो से आए थे ये। बाकी इनके एग्जामिन करने पर पेट में दाहिने साइड इनके चोटें आई थी, बाकी एक जगह घाव था। बाकी अटेंडेंट से पता करने पर ही पता चला कि फायर आर्म इंजुरी है, कहीं गोली लगा है, कोई इवेंट था उसी में गोली लग गया है। बाकी उनको एग्जामिन कर दिया गया है, एग्जामिन करने और ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको एडमिट कर दिया गया। बाकी सर्जन साहब देखे हैं, उनको रेफर कर दिए लखनऊ के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।